हाय गाइस, सत श्री अकाल की वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो फिलहाल इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के बारे में, जो कि पूरी की पूरी गाड़ी BS6 फेस टू में लॉन्च हुई है। फ्रंट लुक देखे हुए तो ग्रैंड विटा से पूरी पूरी इंस्पायर्ड है, पीछे से बलेनो टाइप लगती है, लेकिन इसकी जो टेल लाइट है वो एकदम डिफरेंट है, मतलब पूरी पूरी चेंज है। वैसे तो कंपनी इसको SUV टाइप में बताती, लेकिन आप देखोगे रियल लाइफ में तो एक कूपे टाइप लगी, हैचबैक टाइप, लेकिन कंपनी पता नहीं क्यों इसको SUV बताती है। हर छोटे इसमें टोटल 12 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। इनकी प्राइस स्टार्ट होती है 7.46 लाख टू मैक्स, इसका टॉप मॉडल जाता है 13.13 लाख। जो इसकी एक्सरम प्राइसिंग है वो मैं बता रहा हूँ आपको। डायमेंशन की बारी आई तो गाड़ी में लेंथ मिल जाती है 3995 mm, वेट 1765, हाइट 1550 इंच, उसको व्हील बेस और 2520 को मिल जाता है। फाइनल ग्राउंड क्लियरेंस है 190 mm का देखने को मिल जाता है, काफी अच्छा खासा। अब बारी आती है इसकी फ्रंट लुक की, तो मैंने बताया था पूरी पूरी गाड़ी जो फ्रंट लुक है वो उसकी ग्रैंड विटारा से इंस्पायर्ड है। ट्रिपल यहाँ पे DRS यूनिट मिल जाती है, उसके अंदर इंडिकेटर, नीचे साइड देखो तो LED सेटअप में हेडलाइट्स मिल जाती है, वो भी ट्रिपल यूनिट है। पीछे साइड देखो टेल लाइट कनेक्टिंग दे रखी है, वैसे टेल लाइट एकदम डिफरेंट है, इसको बलिनो टाइप में नहीं कह सकते। यहाँ पे आप देखो इंडिकेटर डायनेमिक स्वाइप में दे रखी है, लेकिन वो ऐसे स्वाइप नहीं करते, सिर्फ अपना नॉर्मली चलते हैं। उसी के बगल में रिवर्स लाइट दे रखी है। गाड़ी में वैसे अलॉय व्हील भी देखने को मिल जाता है, जिसका साइज है 195/60R 16 inches के, वैसे मारुति ब्रेजा में देती है अलॉय व्हील, लेकिन नहीं आपको इसमें फ्रॉक्स में भी अवेलेबल हो जाते हैं। अब बारी आते हैं इसके इंटीरियर की, तो यहाँ पे आप टच स्क्रीन देखो इसकी, जो मारुति पहले से देती आ रही है वही वाली मिलती है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग। वैसे इसका इंटीरियर भी पूरा पूरा ग्रैंड विटारा जैसा ही है, ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। मारुति की अभी जो नई गाड़ी कोई सी भी आ रही है उसमें सेम ही आपको इंटीरियर देखने को मिलेगा। बाकी इसमें HUD यानी कि हेड अप डिस्प्ले भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसकी गाड़ी की डिलीवरी भी स्टार्ट होने लगी है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, रियल लाइफ में वीडियोस में देखने में बहुत अंतर होता है। मैं रियल लाइफ में देख रही हूं, मेरे को पीछे की लुक ज्यादा अच्छी लगी, आगे से तो क्या ही कहूं, ग्रैंड विटारा जैसी है पूरी पूरी। बूट स्पेस की बारी आए तो यहाँ पे 308 liters का बूट स्पेस मिल जाता है। बाकी CNG का ऐसा कुछ खास अभी आया नहीं है कि इसमें CNG भी आएगी गाड़ी में, अभी तक तो नहीं आया। वैसे गाड़ी BS6 फेस 2 में लॉन्च हुई है पूरी पूरी। इसमें मेनली दो इंजन ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, 1.2 बूस्टर जेट टर्बोचार्ज इंजन जो कि निकालता है 99 bhp विद 147 Nm का टॉर्क। इसकी माइलेज क्लेम करती है कंपनी 20 की, एंड इसका जो फुल रेंज बताती है वो 740 km तक मैक्स आपकी फुल टैंक में चल जाएगी। और जो सेकंड इंजन ऑप्शन मिलता है इसका, वो है 1.2 डुअल जेट इंजन जो कि निकालता है 89 bhp विद 113 Nm का टॉर्क। कंपनी इसकी माइलेज क्लेम करती है 20 की, एंड फुल टैंक में गाड़ी चल जाएगी आपकी 806 km। बाकी इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 37 liters का मिल जाता है। बाकी ऐसी कुछ थी अपनी फ्रॉन्क्स, आपको कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।